हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का पेपर है और तृतीय प्रश्न पत्र है साइंस का, ये 2023 का पेपर है। तो इस वीडियो में हम ये 2023 का जो पेपर है विज्ञान का, इस पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। इसके बाद डीएलएड, चाहे 2000 आपका डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हैं तो आप चाहे 2022 के पेपर लें या 2023 के पेपर देखें, 2022 और 2023 दोनों के पेपर मैंने अपने चैनल पे डाल दिए और प्लेलिस्ट बना दिए है। तो वहाँ से 2022 और 2023 दोनों के पेपर आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि डीएलएड में क्वेश्चन रिवीजन रिवाइज बहुत होता है, बार बार क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के हम पेपर की करते हैं शुरुआत। देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे, पहला क्वेश्चन पूछा गया है ऊध्वपातज पदार्थ नहीं है। यहाँ पर देखो, ऊध्वपातज पदार्थ नहीं है, तो ऊध्वपातज क्या होता है, ऊध्वपातज होता क्या है, ये आपको समझना है। तो देखिए, ऐसे पदार्थ जो ठोस से जो गर्म करने पर, आप कह सकते हो ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर जब ठंडा होते हैं तो पुनः ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ऊध्वपातन क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे ये देखो नहीं पूछ रहा है, ये है नौसादर, तो नौसादर तो है क्योंकि ये जब आप इसे गर्म करोगे नौसादर को, तो ये गर्म करने पे क्या होगा, सीधे ठोस से गैस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जबकि ये द्रव में नहीं होगा, इसलिए ये तो सही है। और आपका कपूर भी सही है और आयोडीन भी सही है, लेकिन अगर ऊध्वपातज की क्रिया नहीं है तो ये नमक जो है वो नहीं है, तो नहीं वाला पूछा था, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कीट भक्षी पौधा है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइए, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पेपर में देखने को मिलता है। कीट भक्षी पौधा है तो नेफिनथीज है, संडियू है और बीनस फ्लाई है। अब यहाँ पे देखो, उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ और पौधों के नाम बता रहा हूँ, जैसे इसमें ड्रोसेरा नहीं है। क्या नहीं है, ड्रोसेरा। अगर पेपर में ड्रोसेरा आ जाए तो ड्रोसेरा भी कीट भक्षी पौधा है। अगर इसमें यूट्रिकुलेरिया आ जाए, देखो यूट्रिकुलेरिया भी यहाँ पे नहीं दिया है, अगर पेपर में यूट्रिकुलेरिया आ जाए तो वो भी आपका कीट भक्षी पौधा है। यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, नेपंतीज, बीनस फ्लाई टैप, ये सब क्या है, कीट भक्षी पौधे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि। तो नमक से नमक प्राप्त करने की कौन सी विधि है। अब आपको ये समझना है कि नमक से नमक प्राप्त करने की विधि, नमक कैसे प्राप्त किया जाता है। अब देखो, सबसे पहले मान लो खारे पानी का जो समुद्र होता है, खारे पानी का, उसमें नमक और पानी दोनों मिला हुआ होता है। तो मान लो किसान क्या करते हैं, एक अपने किसान का खेत होता है तो इस प्रकार से क्यारी बना लेते हैं, और क्यारी बना लेते हैं तो इसमें क्या है, पानी इस क्यारी के अंदर भर देते हैं। जैसे ये मान लो, मैं देखो ये रख रहा हूँ, ये वाटर भर रहा हूँ, ये क्या है, जल, इसमें जल भर दिया मैंने, जल में क्या है, नमक मिला हुआ है, नमक की मात्रा अधिक होती है, जल की मात्रा कम होती है। तो ये जब आप क्यारी में इसमें भर दोगे, जब क्यारी में आपने जल भर दिया, तो जल भर दिया, जो पानी होगा ना, पानी ये हवा में बाष्प बनकर उड़ जाएगा। जब पानी उड़ जाएगा तो सीधे इस क्यारी में क्या बचेगा, इस क्यारी में सिर्फ और सिर्फ नमक बचेगा। क्या बचेगा, नमक बचेगा। तो मैंने कहा कि जो पानी था वो बाष्प बन के उड़ गया तो नमक बचा। तो इसमें आप इसका आंसर आराम से दे पाएंगे और समझ गए होंगे। इसका मतलब है कि नमक से नमक विलयन प्राप्त करने की विधि क्या कहलाएगी, बाष्पन कहलाएगी, ना कि छानना और ना कि निथारना। आपने देख लिया कि किसान क्या करता है, ये खेत है, खेत में क्यारी ली, क्यारी में इसमें पानी भर दिया, और पानी भरने के लिए क्या वो छानता है, बिल्कुल नहीं, निथारता है, बिल्कुल नहीं, क्या कर देता है, क्यारी में पानी भर के छोड़ देता है, पानी पानी उड़ जाता है, नमक 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 के ढेर यहाँ पे बच जाते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान का मात्रक है। तो देखो द्रव्यमान का मात्रक सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए, किलोग्राम का तो ग्राम होता है, तो ये भी नहीं है, कुंटल भी नहीं है, ठीक है, और टन भी नहीं है। तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। इसमें हम चले जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ। किसके साथ? सेकेंड ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइए, क्या है, प्रकाश संश्लेषण पे आप स्टार लगाइए। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पेपर में पूछा जाता है और सबसे पहले आपको इसकी रिएक्शन याद रखनी है। रिएक्शन पेपर में पूछी जा सकती है, प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन समझाइए इस प्रकार से। तो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली जो ऑक्सीजन निकलती है वो किससे निकलती है? जल से निकलती है। किससे निकलती है? जल से निकलती है। तो इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन, रट लीजिए, कहो तो मैं आपको करा दे रहा हूँ। हम प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन को समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आप कैसे करके समझेंगे, समझो, देखो सबसे पहले लोगे आप जल को, किसको लोगे? जल को, H2O, ठीक है, प्लस लोगे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन क्या है? O2, CO2 लोगे, CO2, ठीक है, H2O और CO2, 6H2O और इस प्रकार से 6CO2, ठीक है। अब आप इसकी रिएक्शन बनाओगे, देखो 6H2O ले लिया और 6CO2 ले लिया, ठीक है, किसके उपस्थिति में? अब ऊपर लिखोगे, एरो के ऊपर लिखोगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ लिख देना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और नीचे लिख देना क्लोरोफिल। नीचे क्या लिखोगे आप? क्लोरोफिल लिखोगे नीचे, ठीक है। तो बनेगा क्या, देखो बनेगा ग्लूकोज, C6H12O6, बचा क्या? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना बचा? 6O2 बचा। अब बैलेंस करना अगर आपको नहीं आता तो बैलेंस करके देख लीजिए, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन ये दे रखे हैं 12 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 है। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने हैं, 6 × 12 ये हैं, 12 × 6 = 18 ये हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 18। तो देखो 6 × 12 ऑक्सीजन ये हो गए, 12 ऑक्सीजन आपके ये हो गए और 6 ये, 18 ऑक्सीजन आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब कार्बन देख लो, कार्बन कितने हैं, 6CO2 था यहाँ पे, 6CO2, तो कार्बन कितने हैं, 6, तो यहाँ पे भी कार्बन कितने हैं, 6। रिएक्शन आपकी बैलेंस है बिल्कुल, ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन आप पढ़ के जाना, एक बार साफ साफ लिख देता हूँ मैं, लिख लीजिए 6H2O प्लस 6CO2, ठीक है, एरो लगाना है आपको, फिर 6H12 आपको लिखना है यहाँ पे, C6H12 और O6, प्लस में लिखना है 6O2, ठीक है, ये रिएक्शन लिखना है। ऊपर लिख देना सूर्य का प्रकाश, एरो के नीचे क्लोरोफिल। ये प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से हमने बहुविकल्पी जो क्वेश्चन थे वो 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। छठा क्वेश्चन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हो। तो यहाँ पे आप समझो, देखो रेन का क्या मतलब है, रेन का मतलब है वर्षा, वाटर का मतलब है जल, और हार्वेस्टिंग का मतलब होता है संचयन। क्या होता है? संचयन, यानी वर्षा जल संचयन। तो वर्षा जल संचयन का क्या मतलब है यहाँ पे समझो आप, इसको क्वेश्चन को कैसे लिखना था। देखो जिन क्षेत्रों में, कह सकते हो जिन क्षेत्रों में या जिन इलाका में, जिन स्थानों पर वर्षा बहुत कम होती है या वर्षा या पानी की कमी होती है, क्या होती है, पानी की कमी होती है, वहाँ पे क्या है, वर्षा का जो जल होता है उसका संचयन किया जाता है। कैसे संचयन किया जाता है, वो नदी तालाबों और कुओं के माध्यम से पानियों को इकट्ठा कर लिया जाता है, या आपके घर के मकान हैं, मकान के ऊपर जो छत है, छत में क्या है, वर्षा का जल संचयन करने के लिए उसमें एक पाइप लगा दिया जाता है, नीचे टैंक रख दिया जाता है और इस टैंक के अंदर पानी को जमा कर लिया जाता है, या फिर कुओं की सहायता से भी, कुएं के अंदर भी आप पानी को संचयन कर सकते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल राइट हो गया, सही मैंने आंसर आपको बता दिया। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई आपसे कि गति का तृतीय नियम क्या है। तो देखो यहाँ पे गति का तृतीय नियम आपको बताना था,
गति का तृतीय नियम जो होता है, गति के तृतीय नियम को ही हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या बोलते हैं? गति के तृतीय नियम को ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। देखो इस नियम के अनुसार क्या है कि प्रत्येक क्रिया के उसके बराबर यानी बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब इसको थोड़े से डायग्राम के माध्यम से आप समझिए। देखो डायग्राम के माध्यम से इस प्रकार से समझना है जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है और ये बंदूक की गोली सामने छोड़ रहा है। ये गोली है किसकी? बंदूक की, ठीक है। तो बंदूक की गोली ये छोड़ रहा है, जितनी स्पीड से ये बंदूक की गोली इस दिशा में जाएगी उतनी ही उसके विपरीत यानी इस दिशा में क्या है, विपरीत दिशा में भी गति होगी। कैसे? जैसे बंदूक की गोली कोई व्यक्ति हाथ से छोड़ता है तो पीछे की तरफ हाथ में क्या लगता है? झटका लगता है, ठीक है, धक्का लगता है, झटका लगता है, उतनी ही। तो इसी को बोलते हैं हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये गति का तृतीय नियम हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उदाहरण आप लिख दोगे इसमें बंदूक की गोली का निकलना, ठीक है, बंदूक की गोली का निकलना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, आप ये बताओ पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती। अब यहाँ पे आप समझ लो, सबसे पहले ये जानो पदार्थ की तीन अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, ठीक है, और द्रव में क्या होता है, आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती। और गैस में ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकृति निश्चित होती है। तो इसका आंसर तो आपको पता लग गया कि क्या हो जाएगा, द्रव में आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति नहीं होती। कैसे? मान लो देखो, हमने एक बर्तन लिया, इसका देखो आयतन तो निश्चित है लेकिन आकृति जो है वो अनिश्चित है। आकृति क्या है? अनिश्चित है। देखो जैसे हमने आकृति ये लिया 2 लीटर का पात्र, ये 2 लीटर का बर्तन है, और एक ले लिया 5 लीटर का बर्तन। तो कितने का? 5 लीटर का बर्तन ले लिया, ठीक है, 5 लीटर का। अब मान लो हमें 2 लीटर पानी इसमें भी डालना है और 2 लीटर पानी इसमें भी भरना है। मान लो हमने 2 लीटर का ये बर्तन लिया था और इसमें 2 लीटर हमने पानी डाल दिया तो ये बिल्कुल भर गया, और ये 5 लीटर का था तो इसमें हमने जल डाला, ये इतना रहा। तो आपने इसमें क्या देखा? देखो इसका जो बर्तन है, जो आकृति है, आकृति तो अनिश्चित है। देखो आकृति ऐसे अनिश्चित हो गई, पहले हमने 2 लीटर की आकृति ली, ठीक है, ये 2 लीटर का आकार, अब हमने ले ली 5 लीटर का आकार, लेकिन आयतन निश्चित है। आयतन कैसे निश्चित है? देखो क्योंकि 2 लीटर के बर्तन में जितना हमने पानी डाला था 2 लीटर, वो 2 लीटर जितना पानी डाला था उतना ही तो आकार ले लिया उसने, उतना ही आयतन हो गया उसका। इसी प्रकार से उतना ही आयतन 5 लीटर में, ऐसा तो है नहीं कि इसमें 2 लीटर हो गया, इसमें 3 लीटर हो गया तो आयतन बढ़ गया। 2 लीटर में 2 लीटर शाम, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो जल की मात्रा सेम है, इनका मतलब आयतन तो बिल्कुल बराबरी है, ठीक है, क्योंकि जिस बर्तन में जितना चीज़ डालोगे वो उसी का रूप ले लेता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समझिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, दोलन गति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो हम दोलन गति को भी समझेंगे कि दोलन गति क्या होती है, ठीक है। दोलन गति के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, दोलन गति के बारे में समझिए आप। देखिए दोलन गति है जो तो देखो दोलन गति को आप समझिए अच्छे से, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है तो उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे मान लो इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से कोई भी माध्य है, ये माध्य है, ठीक है, क्या कह रहा है, माध्य। कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के, ये माध्य स्थिति के दोनों ओर यानी दोनों ओर इधर और इधर दोनों ओर क्या है, गति करता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम दोलन गति कहते हैं। इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल्स में आप ये भी लिख सकते हो झूला झूलता हुआ बालक, क्योंकि यहाँ पे उदाहरण पूछा है, उदाहरण सहित समझाइए, तो उदाहरण सहित समझाइए झूला झूलता हुआ बालक आप लिख दो, या घड़ी का पेंडुलम भी लिख सकते हो आप, ठीक है।
और दोलन गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है, इसी को हम क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। अब देखो अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया है यौगिक किसे कहते हैं। तो यौगिक के बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए। देखो यौगिक किसे कहते हैं, आप लिखोगे इसमें कि दो या दो से अधिक तत्वों के ऐसे निश्चित अनुपात में, ठीक है, रासायनिक संयोग से निश्चित अनुपात कैसा होना चाहिए? निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थ जो क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में देखो H2O, ठीक है, क्या हो जाएगा? H2O। तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन तत्व है। यौगिक क्या है? यौगिक तत्व है। जैसे देखिए एक हाइड्रोजन प्लस दूसरा हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया? ये बन गया H2, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है? ये एक तत्व है। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन तत्व है। तो एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, इनका अनुपात क्या है? निश्चित है। तो निश्चित अनुपात में दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया? H2O यानी जल बन गया। तो आपको क्या लिखना है इसमें? दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपका यह भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन समझिए आप। अगला क्वेश्चन है मृतोपजीवी से आप क्या समझते हैं। तो मृतोपजीवी क्या होते हैं? देखो मृतोपजीवी समझ लो आप अच्छे से, जैसे सड़े गले पदार्थों को, पदार्थों का जो भक्षण करते हैं ना, सड़े गले पदार्थों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे समझो सड़े गले पदार्थों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप लिख देना कवक। एग्जाम्पल आप लिख दोगे कवक और जीवाणु लिख सकते हो आप। कवक और जीवाणु ये क्या है? मृतोपजीवी के उदाहरण है, ठीक है। इस प्रकार से हमने 11 क्वेश्चन साइंस के पढ़ लिए। अब देखिए साइंस के क्वेश्चन में दो दो नंबर वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। 12वां क्वेश्चन है भोजन एकत्रीकरण हेतु तने में होने वाले रूपांतरण को उदाहरण सहित समझाइए। 13वां क्वेश्चन है बल से क्या अभिप्राय है? बल के विभिन्न प्रकार, तो बल के प्रकार आपको पढ़ना है। देखो ठोस द्रव गैस की आणविक संरचना, ये संरचना के का सचित्र वर्णन करते हुए आपको समझाना था, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ दो दो नंबर के, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। तो ऊर्जा के नवीनीकरण और अनवीनीकरण स्रोत, ये क्वेश्चन पे स्टार लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है। पोषण के आधार पर पादप और जंतु, तो ये इस पे भी स्टार लगाओ, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। बाष्पन और क्वथन में अंतर, ठीक है। बेलन की लंबाई वृत्त के व्यास का मापन किस यंत्र से किया जाता है, उसका नाम बताते हुए उस यंत्र का अल्पतमांक लिखिए। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, साइंस का जो पेपर पूछा गया इस बार बहुत ही बेहतरीन पूछा गया है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ जो 2024 का पेपर पूछा जाएगा ये इससे भी अच्छा पेपर पूछा जाएगा। तो प्लीज़ आप धैर्य बना के रखें, ठीक है, घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। पूर्ण ईमानदारी से अपनी तैयारी करिए, आत्मविश्वास के साथ पेपर देने जाना, और एक एक क्वेश्चन वाले जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो कोशिश करना वो क्वेश्चन आपके गलत ना हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।